राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, MPCG 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिला बालाघाट कोसमी क्षेत्र की, जहां जिला प्रशासन ने की कोसमी में छापामार कार्रवाई। प्रकाश दमाहे के घर से PDS का 10 क्विंटल अनाज जब्त। नवेगांव थाने के प्रभारी प्रशिक्षु DSP श्री ललित कुमार कश्यप द्वारा आज 15 अप्रैल को शराब के अवैध विक्रय की सूचना मिलने पर वार्ड नंबर 15 कोसमी में प्रकाश पिता गरीब लाल दमाहे के घर पर आज छापामार कार्रवाई की गई थी। इस दौरान वहां पर शराब तो नहीं पाई गई, लेकिन DSP श्री कश्यप की नज़र घर पर रखे अनाज के बोरों पर पड़ी तो उन्हें शक हुआ कि यह अनाज शासकीय योजनाओं में सप्लाई किए जाने वाला अनाज तो नहीं है। इसके बाद कलेक्टर श्री दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी अधिकारियों के दल के साथ कोसमी में प्रकाश दमाहे के घर पहुँचे तो जांच में पाया गया कि वहां पर सार्वजनिक उचित मूल्य दुकानों में राशन कार्ड धारी हितग्राहियों को विक्रय किए जाने वाला अनाज एकत्र किया गया है। प्रकाश दमाहे से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके द्वारा 8 हितग्राहियों से यह अनाज खरीदा गया है। इस राशन कार्ड धारक हितग्राहियों में धर्म मेश्राम, समत खान, नंदकिशोर लिल्हारे, देवीलाल लिल्हारे, लालजी लिल्हारे, महेश मेश्राम, भैयालाल बम्मोरे एवं रोशनलाल नकपुरे शामिल है। इन हितग्राहियों द्वारा राशन दुकान से 3 माह का खाद्यान्न लेने के बाद उसे प्रकाश दमाहे को बेचा गया। कलेक्टर श्री आर्य ने जब्त किए गए अनाज को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बनाए गए खाद्यान्न बैंक में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अपने राशन कार्ड का अनाज विक्रय करने वाले 8 हितग्राहियों के राशन कार्ड निरस्त करने में निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शासकीय अनाज की कालाबाजारी करने वाले प्रकाश दमाहे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा रहा है। क्या कार्रवाई की गई? अभी तो इसके पूर्व खाद्य विभाग को सूचना मिली थी, हम लोगों को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर लोगों से खाद्यान्न खरीद के PDS कर रहा है। उसकी जाँच की गई, जाँच में पाया गया कि उसके द्वारा PDS से खाद्यान्न खरीदा जा रहा था। उसको जब्त कर लिया गया है और संबंधित को पुलिस विभाग के सुपुर्द कर दिया गया और इस पर अग्रिम कार्रवाई कोर्ट विभाग के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ एक घर में और सूचना मिली थी जिसके द्वारा ये खरीदा जाता, हमने उसकी जाँच की है और अभी तो वर्तमान उसके द्वारा कोई अनाज खरीदा नहीं पाया गया। उसको समझाइश दी गई कि इस तरह से कोई PDS अनाज उनके द्वारा खरीदा जाएगा तो उनको सीधा FIR दर्ज करके जेल भेज दिया जाएगा। सर, एक घर को सील भी किया गया, कुछ माल भी बरामद किया गया, सर कितना? उसमें लगभग 10.5 क्विंटल चावल और 50 किलो गेहूँ बरामद हुआ है, जब्त कर लिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अभी अग्रिम कार्रवाई तक के लिए उसके घर को भी सील कर दिया गया। सर, कुछ राशन कार्ड भी बरामद किए गए हैं? अभी तो राशन कार्ड अभी जहाँ जाँच की गई तो वहाँ पर राशन कार्ड नहीं मिले हैं, दूसरी संभावना है कि राशन कार्ड थे। दोबारा फिर से जांच करेंगे और जहां पर भी इस तरह के लोग खरीद रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि PDS का कोई भी अनाज कोई भी किराना व्यवसायी ना खरीदे। अगर खरीदता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।